जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आप अपनी जगह पर खुश रहें, यह मां से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी का कोई काम नहीं बनता और जिस जगह पर वो जाते हैं अपने काम के लिए, जिस देव की शरण में जाते हैं, 15-20 दिन गए और फिर ना बना काम। अब जरूरी तो नहीं है ना वो 15-20 दिन में बन जाए, लेकिन नहीं बनता तो फिर किसी ने कह दिया कि उस स्थान पर चले जाओ, उस स्थान पर शीघ्र काम बनता है। अब वो वहां जाना छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। चलो चलो वहां पर चलो। अब ऐसा वो दूसरी जगह पर भी काम नहीं बना तो फिर वे तीसरी जगह पर चले जाते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, काम नहीं बन पाता है, जीवन भर परेशानियों में निकाल देते हैं। तो फिर क्या करें? बहुत आसान सा प्रयोग है, एक जगह पर अपने मन को टिका दें। बार बार में अलग अलग तरह के मंत्र, मैं अलग अलग विधियां क्यों बताया करता हूं कि आपको जो अच्छी लगे उस पर अपना मन टिका दें। आपने यदि किसी भी एक विधि को विश्वास के साथ, भाव के साथ कर लिया तो समस्या का समाधान हो जाएगा। बड़ी आसान विधि है। नहीं बन रहा है आपका कोई भी काम, काम चाहे कैसा भी हो, आप ये ना सोचे कि ये इसी काम के लिए, कोई भी काम हो नहीं बनता है। एक कटोरी में अपना पूजा वाला सिंदूर डाल लें, बस थोड़ा सा डालने के बाद अपनी उंगली को, अनामिका उंगली को इसमें लगा लें, लगाने के बाद इस मंत्र को पढ़ लें, ओम ह्रीम राम रोम हनु 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 सकल कार्य सिद्धार्थे हुम फट। वो इतना करने के बाद अपने माथे पर लगा लें, ये ऐसे लगा लेना। आपने जब भी कहीं पे जा रहे हैं, कोई काम है नहीं बन रहा है, आपने ऐसा करके मस्तक पे लगा लेना, इतना सा काम कर लेना और इस पर विश्वास जमा देना। लगातार आप जब भी जाओ, आप जरूरी नहीं है कल कहीं पे नहीं जा रहे, ना करें तो ना करें, कोई काम पे जा रहे हैं नहीं बन रहा है कोई भी काम, या आपने कोई सोच रखा है जाना कहीं पर नहीं है और किसी काम के लिए सोच रखा है कि मैं ये काम अपना चाहता हूं बन जाए, इसके लिए लगातार इस प्रयोग को कर लेना। अपना ये मंत्र बोला, उसमें लगाए रखा उंगली को, मंत्र बोल करके अपने मस्तक पे लगा लिया। कोई कार्य आपका बाहर का नहीं है, आप जब जाएंगे सिद्ध करना है बाद में, कोई भी कार्य है तो आप रोजाना इस प्रयोग को कर लें। रोजाना यह मंत्र बोलकर इस प्रकार तिलक अपने माथे पर लगा लिया करें। अब तिलक बिंदी सी लगाएं या अपना सीधा निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोस्तों, ऐसा प्रयोग यदि आप किसी कार्य के लिए अर्जी लगाते हैं तो अपना यह प्रयोग मंगलवार से शुरू कर देना, किसी भी मंगलवार से शुरू कर देना। करना सुबह सुबह ही है, नहा धो करके करना है। दोस्तों, यदि ऐसा कर लिया और अभ्यास शुरू कर दिया, विश्वास जमाया, भाव भक्ति के साथ किया, कार्य अवश्य पूर्ण होगा। अब जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करना और इसका फायदा उठाना, अच्छा लगता है तो इसे अपने यार दोस्तों को अवश्य बताना। आपके लिए सिर्फ इतना ही। आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।